ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। सीएम साहब जितने इन्ने बयान देंगे लीडरों को वह पानी पी पी के पोसते हैं, साडा भी एक बार मैं दो बार कहने में आ काम करता से तेरा ता मारे चुप करके घर फिर अगले दिन नहीं बोलता घर को जिंदा होता पर बोलते नहीं है कुछ दसते नहीं है कुछ। जो कुर्सी से बैठे पर मैं सरकार को ना पूछा तो हम मैं पूछा क्यों दस साल तो वह समा हो गया भी मैं गलत कितने। मैं उन्हें यही गल पूछ रही मैं कितने गलत हाँ, मैं क्यों सरकार के खिलाफ रोज बोली है, मैं पागल थोड़ी हाँ। तुम्हें आई टी सैल मेरे पिछे पाता, मेरे से घटिया कमेंट करने पाचे मेरे पिछे पाता, मैं तुम्हें कोई कहता बुढ़िया तू घरे वह कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता कहने लिए कमेंट तो मैं पढ़ लू हट गया चलो दे लो भाई कहा जिन्या देनिया दे लो मेरे तक जो मन चाहे मैं करूँगा। हाँ हाँ प्रॉब्लम आप सवालों को पाई गए ये सरकार होश कादे नाल आई है सवाल पूछ पूछ इन्होंने अकाली कांग्रेस को बदनाम किया सवाल पूछ पूछ आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दूंगा जिन्हें जायज सवाल वही इन्होंने असं अगे हाथ बन के कर मानते हैं निम्रता ना कर पूछते हैं भी सानू दस दौ क्यों इन्ना टाइम लगी है। मैं जिहड़े बंदे ते शक करदा क्यों नहीं फड़दा उन्होंने क्यों वड्डे घर के काटे ने। मैं एक सधारण व्यक्ति हाँ ये वोटा के विरोध करते रहे राजनीति करते फिर होर मेरे को बचा की है कल की करा मैं मैंने तुम यह दस दो कि भाई तू आ कम कर ला मैं तो वो कर मैनू ऐ लगता जो बंद भाई दुखी उन्होंने मन के गल होंगी है जे मैं ये जा कर करूँ खबर मेरी आह सुन लैन खबर मेरी आह सुन लैन पागलों वर्गी पोजिशन हो पी है भाई जी सवेरी कोई पासा झलता नहीं है। ये कहते राजनीति करता है वो थोड़े सामने राजसभा तो लगे हैं मुख्यमंत्री मिलता जिम्मे तू कहना तू दसो कि हाँ भाई मैं तो उम्मीद जिम्मे करूँ तैयार है जिम्मे तुम कहने उम्मीद करूँ तैयार मैं तो जी गल पूछनी वह भी स्पीकर ही दसी जाए भी आही गल मैं दस दे लो उसकी इंटरव्यू क्यों कराई है कितने कराई है दस दे तू मेरे पुत्र को मरवा के सरकार लोन सीमा क्यों कर दी आही का सवाल पूछता वह थोड़े जनता का पैसा जेब चो लैके हवाला के जरिए थाईलैंड भेजता है वो मेरा जवाब तो बाहरले मुल्कों चो लिया के थोड़े खजाने च पाउंदा मेरा ता मार दो मैं थोड़े तो आही सवाल पूछना जब इन्हों को इन गलों के जवाब है ही मैं कहना अनाउंस कर दे एक बार भी यार असी मुकदमा इतों बद नहीं कर दिया असी जो करना अभी करता मैं आपके घर कली चुप पट्टे ना नहीं सर जोड़ा बंदा बोलता है वो खिलाफ जो खर्चा दे दूंगा ये तो अलानी एमरजेंसी है ये सानू कहते ने बिक्की का कतल सा मेरे पुत ने कराया संदीप संदीप के परिवार का यार मैं रोज मिलता जे मैं संदीप का कतल करवाया हो संदीप यार परिवार मैंने एक बार भी ना कहे भाई साढ़े घर के मूँह ना आने मैं हूँ जाके हूँ भी भैन बच्ची मैं मिल के भी बेटा तेरा तो मेरा दुख सांझा है साढ़िया बंदूखा ही बदलिया होनगियां
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰੰਤ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨੀਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਂਦੇ ਫਲਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਤਾ ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਡਿੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ।